परिचय हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पौधों तथा जंतुओं को देखते हैं श्रुति क्या तुम जानती हो कि इस पृथ्वी पर जंतुओं की लगभग दस लाख से अधिक तथा पौधों की लगभग पाँच लाख से अधिक प्रजातियां पाए जाती हैं? एक और जहां सूक्ष्म देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है पाए जाते हैं वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है प्रत्येक जीव एक दूसरे से भिन्न होता है हाँ हमारी कक्षा में भी कोई दो छात्र एक समान नहीं है अनुराग लंबाई में सबसे लंबा है जबकि शिल्पा लंबाई में सबसे छोटी है इसी प्रकार दीप्ति की नाक पैनी तथा नोकदार है जबकि अक्षय की नाक चपटी तथा चौड़ी है कृति के हाथ तथा हथेलियाँ भी छोटी हैं, जबकि दीपक के हाथ तथा हथेलियाँ बड़े हैं। ये सारी भिन्नताएं एक ही प्रजाति के अंदर हैं, किंतु एक ही वंश के अंदर कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जैसे कि मनुष्य चिमपांसी गोरिल्ला तथा बंदर एक जैसे ही प्रतीत होते हैं इसी प्रकार कुछ पौधों जैसे खरबूज तरबूज करेला कद्दू लौकी खीरा आदि भी कई समानताएं पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम दो वंशों का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनमें परस्पर बहुत सी असमानताएं पाई जाती हैं। चलो एक क्रियाकलाप करके ये जानते हैं कि एक ही वंश के अंदर क्या क्या समानताएं हैं तथा उसके अन्य वंशों से क्या असमानताएं हैं जब हम देसी और जर्सी गाय के शारीरिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके गुणों में बहुत ही कम अंतर होता है लेकिन जब हम भीड़ यानी झुंड में जर्सी गाय को देखते हैं तो हम उसकी ऊंचाई तथा कड़काठी से उसे दूर से ही पहचान सकते हैं लेकिन जब हम गाय और बंदर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि गाय की अपेक्षा मनुष्य और बंदर में ज्यादा समानताएं हैं हालांकि ये सभी स्थानधारी हैं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वर्गीकरण के आधार को पहचानना वर्गीकरण तथा विकास को समझना वर्गीकरण समूह के पदानुक्रम को समझना जगत मोनेरा के गुणों को समझना जगत प्रोटिस्टा के गुणों को समझना जगत कवक यानी फंजाई के गुणों को समझना जगत प्लांटी के गुणों को समझना जगत प्लांटी के वर्गों का पता लगाना वर्गीकरण का आधार जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लाखों वर्षों पहले से ही पृथ्वी पर जीवों में विविधता का विकास धीरे धीरे हुआ है ये विविधता इतनी अधिक है कि हम एक एक करके इन सभी जातियों का अध्ययन पूरे जीवन काल में कर पाएंगे अतः हम सभी जीवों में समानताएं ढूंढने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न वर्ग अर्थात क्लास समूह यानी ग्रुप वंश यानी जेनरा तथा जाति यानी स्पीशीज में विभाजित कर सकते हैं तथा उसके बाद उनका अध्ययन कर सकते हैं इस प्रकार समूह बनाने को वर्गीकरण कहते हैं ये एक बड़ा प्रश्न है कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदु हैं वर्गीकरण विभिन्न जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है वर्गीकरण एक हथियार है जिसके द्वारा कोई भी जीवन की विविधता को जान सकता है वर्गीकरण जीवन की सभी दशाओं यानी अवस्थाओं का एक ही बार में अध्ययन कराने में सहायक है वर्गीकरण भिन्न भिन्न समूहों वाले जीवों के परस्पर संबंधों को समझाने के लिए भी आवश्यक है वर्गीकरण अन्य जीवों के विज्ञान के विकास के लिए एक नींव बनाता है क्या तुम्हें पता है कि अरस्तु तीन से 322 सौ बीसी को जनतु विज्ञान का पिता कहा जाता है और उन्होंने ही पहली बार जीवों को दो समूहों में वर्गीकृत किया था जीव जो कि उड़ सकते हैं वो हवा में रहते हैं जीव जो कि उड़ नहीं सकते हैं वो जमीन तथा पानी में रहते हैं अरस्तु के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी यह थी कि भिन्न भिन्न जीव एक ही समूह में थे जबकि एक जैसे जीव भिन्न भिन्न समूहों में थे जैसे कि प्रवाल वहेल, ऑक्टोपस स्टारफिश तथा शार्क सभी बिल्कुल भिन्न जीव हैं परंतु वे सभी समुद्र में ही रहते हैं अतः यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए क्या तुम जानते हो कि विशेषताएं क्या होती हैं मेरे ख्याल से यह जीव का एक निश्चित रूप या निश्चित कार्य है ये विशेषताएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं कोशिका की संरचना एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय स्वपोषी या परपोषी संगठन का स्तर शरीर की रूपरेखा वर्गीकरण और विकास ऐसा माना गया है कि वर्तमान में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित जातियों को दो शताब्दी पूर्व उनकी मौजूदा दशा में देखा गया था हम सभी यह जानते हैं कि जैव विकास के आधार पर जातियों के उद्भव यानी उत्पत्ति तथा उनकी विविधता का वर्णन किया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी जातियां धीरे धीरे बदलती गईं, समय दर समय अंतराल के बाद पौधों तथा जंतुओं के भिन्न भिन्न समूहों की उत्पत्ति हुई परिणामस्वरूप विभिन्न विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई तथा प्रत्येक जाति ने स्वयं को एक निश्चित पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया जैव विकास विभिन्न जातियों में समानता की भी व्याख्या करता है यही कारण है कि उन सभी जीवों में समानता पाई जाती हैं जिनके पूर्वज एक ही थे अतः विभिन्न रूपों वाली एक एकल पूर्वज जाति जो कि कुछ अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में वास करती है के विकास को अनुकूली विकिरण कहा गया जैव विकास की प्रक्रिया की गति के अंतर्गत हमने जीवों के कुछ ऐसे समूहों को पाया जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है इस प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं जबकि जीवों के कुछ ऐसे समूह भी पाए गए जिनकी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक परिवर्तन हुआ है इस प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं जैव विविधता हम यह परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन की विविधता को जैव विविधता कहते हैं विभिन्न जीव रूप पर्यावरण के साथ साझा करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं स्वरूप विभिन्न जातियों के स्तर समुदाय अस्तित्व में आए विकास की प्रक्रिया के दौरान मानव ने भी भूमि जल तथा वायु के कुछ विशेष गुणों को प्रभावित करके पर्यावरण के संतुलन को बदल दिया एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब एक करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं जबकि हमें सिर्फ दस लाख या बीस लाख प्रजातियों की ही जानकारी है इन जीवों में से लगभग दस लाख जीव कीट यानी कीड़े हैं इन जीवों में से लगभग पचास प्रतिशत जीव गर्मी और नमी वाले भाग में रहते हैं पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहां पौधे और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है अतः ये क्षेत्र मेगा डायवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है अनुकूल वातावरणीय दशाओं की उपस्थिति के कारण कुछ देशों में जैव विविधता केंद्रीकृत है पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ एक देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कोलंबिया इक्वाडोर चीन भारत इंडोनेशिया मेडागास्कर, मलेशिया मैक्सिको पेरू और जायरे में केंद्रित है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना हम परिभाषित कर सकते हैं कि पदानुक्रम वर्गीकरण की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वर्ग की संवर्ग एक उचित क्रम के वर्ग में रखे गए हैं कुछ उच्च कोटि के जैव वैज्ञानिकों जैसे अंस्ट हैकेल अठारह रॉबर्ट वेटिकर उन्नीस और कार्ल वोस 1977 ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है रॉबर्ट वेहटेकर ने उन्नीस में पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया जो कि आगे चलकर बहुत प्रचलित हुआ तथा कुछ छोटे मोटे बदलाव करने के पश्चात अभी तक अनेक कार्यों में प्रयुक्त होता है तथा नए बहुजगत वर्गीकरण का आधार बना है यह वर्गीकरण मुख्यतः पोषण के अंतरों पर आधारित है रॉबर्ट वेटेकर की प्लांटी मुख्यतः बहुकोशिकीय स्वपोषी थी तथा उनकी एनिमेलिया मुख्यतः बहुकोशिकीय परपोषी थी जबकि उनकी फंजाई यानी कवक बहुकोशिकीय मृतपोषी थी शेष बचे दो जगत मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की तथा सरल कोश की कॉलोनी थी कुछ समय बाद कार्ल वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को दो उपजगत आर्की बैक्टीरिया यानी आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया सभी जीवों को विभिन्न स्तर पर वर्गीकृत किया गया है जो कि निम्न है जगत पाइलम जंतु डिवीज़न यानी पादप वर्ग अर्थात क्लास गण यानी ऑर्डर कुल यानी फैमिली वंश यानी जीन्स जाति यानी स्पीशीज़। अतः हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण की मौलिक यानी आधारीय इकाई जाति स्पीशीज है चलिए अब हम पांचों जगत के गुणों की चर्चा करते हैं जगत मोनेरा क्या तुम जगत मोनेरा के मुख्य गुणों को जानते हो जो कि इस प्रकार हैं इनमें केंद्रक भित्ति का अभाव होता है ये राजधानी माइटोकॉन्ड्रिया तथा कशाप नौ जमा दो स्ट्रैंड विहीन होते हैं ये एक कोशिकीय जीव होते हैं इनके पोषण का मुख्य स्रोत अवशोषण है किंतु कुछ समूह प्रकाश संश्लेषी अथवा रसायन संश्लेषी होते हैं जनन प्राय विखंडन अथवा मुकुलन यानी अलैंगिक विधि द्वारा होता है मोनेरा की कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं अधिकांश जीव में उभार युक्त कोशिका भित्ति पाई जाती है उदाहरणार्थ एनाबीना नॉस्टॉक ओसिलेटोरिया, जीवाणु जगत मोनेरा को दो उपजगतों में विभाजित किया गया है आर की बैक्टीरिया अर्थात आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जगत प्रोटिस्टा सभी एक कोशिक यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है प्रोटिस्टा में सरल संगठन पाया जाता है या तो वे एक कोशिकीय होते हैं अथवा बिना किसी विशेषीकृत ऊतक वाले बहुकोशिकीय होते हैं प्रोटिस्टा का यही सरल कोशिकीय संगठन उसे अन्य यूकेरियोट जैसे कि कवक जंतु तथा पौधों से अलग करता है प्रोटिस्टा शब्द का प्रथम प्रयोग एंस्ट है ने 1866 में किया था प्रोटिस्टा को उच्च जगत की समानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ पादप सदृश प्रोटोफाइटा अधिकतर एक कोशिकीय शैवाल तथा फंजाई यानी कवक सदृश अवपंक कवक और जल कवक में विभाजित किया गया था प्रोटिस्टा लगभग उन सभी वातावरण में वास करते हैं जहां जल पाया जाता है बहुत से प्रोटिस्टा जैसे शैवाल प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं तथा ये जैव तंत्र में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं कुछ प्रोटिस्टा में कशाप एवं पक्षमाब भी पाए जाते हैं ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जायगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं प्रोटेस्टा को क्राइसोफाइट डाइनोफ्रेलेजिलेट युग्लिनाइट अवंपक कवक तथा प्रोटोजोआ में विभाजित किया है उदाहरणार्थ शैवाल डाइएटम तथा प्रोटोजोआ जगत फंजाई यानी कवक इस जगत में प्रायः बहुकोष की परपोषी अपघटक पाए जाते हैं उदाहरणार्थ यीस्ट म्यूकर एगेरिकस इत्यादि ये प्रायः परपोषी यानी मृतजीवी तथा परजीवी होते हैं फंजाई हवा जल मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों में पर जीवी के रूप में पाए जाते हैं ये क्लोरोफिलयुक्त जीव नहीं होते हैं इनका शरीर कवक तंतु से बना होता है कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइट की बनी होती है पंजाई शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती हैं जिसे सहजीविता कहते हैं ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है पंजाई में जनन कायिक खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनीडिया कहते हैं अथवा धनी बीजाणों अथवा जल बीजाणु द्वारा होता है लैंगिक जनन एंसकस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं ये बीजाणु उत्पन्न बिना क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं उदाहरण राइजोपस म्यूकर स्ट तथा मशरूम कुछ फंजाई रोग उत्पन्न करते हैं उदाहरणार्थ गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है जगत प्लांटी अर्थात पादप पौधे सजीव होते हैं तथा ये जगत प्लांटी के अंतर्गत आते हैं पादप कोशिकाएं बहु कोशिकीय होती हैं जिनमें हरित लवक तथा सेल्यूलोस की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है प्लांटी जगत में शैवाल ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पम तथा एनजीओसपम आते हैं पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन जो कि वनस्पति विज्ञान कहलाता है के अनुसार पौधों की वर्तमान में लगभग तीन लाख पचास हजार जातियां हैं जो कि बीज वाले पौधों ब्रायोफाइट फर्न तथा फर्न समित्र में विभक्त हैं इनके अंतर्गत जानकारी वाले जीव जैसे कि पेड़ शाक झाड़ियां घास लताएं, फर्न मांस तथा हरे शैवाल आते हैं 2004 तक पौधों की लगभग दो लाख सत्तासी हजार सौ पचपन जातियां पहचानी गई थीं, जिनमें से दो लाख अट्ठावन हजार सौ पचास पुष्प वाले पौधे तथा अठारह हजार ब्रायोफाइट हैं हरे पौधे जिन्हें कभी कभी व्रीडी प्लांटी कहते हैं अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषम पोषी होते हैं ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्रलाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं जबकि अमरबेल यानी कस्कूटा परजीवी का उदाहरण है जगत प्लांटी यानी पादप के भाग पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं अथवा नहीं वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधे में बीज धरण की क्षमता है अथवा नहीं यदि बीज धरण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है अथवा नहीं प्लांटी जगत को आगे दो भागों में बांटा गया है क्रिप्टोगेमस जिनमें की पीजाड़ छुपे हुए जननांग पाए जाते हैं थैलोफाइट ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट इस भाग के अंतर्गत आते हैं फेनेरोगेमस बीच वाले होते हैं जिम्नोस्पम तथा एनजीओस्पम इस भाग के अंतर्गत आते हैं भाग थैलोफाइटा क्या तुम्हें पता है कि थैलोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थैलस तथा फाइटा से हुई है जिसका अर्थ है बिना जड़ शाखा तथा पत्ती वाले पौधे इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है इस वर्ग के पौधों को सामान्यता शैवाल कहा जाता है ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगा कारा क्लेडोफोरा तथा अल्वा आदि शैवाल के कुछ उदाहरण हैं भाग ब्रायोफाइटा समान रूप से ब्रायोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ब्रायोन तथा फाइटा से हुई है जिसमें ब्रायोन का अर्थ है मॉस या लिपरवर्ट और फाइटा का अर्थ है पौधा इस वर्ग के पौधों को पादब वर्ग का उभयचर कहा जाता है यह पादब और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनिजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं उदाहरणार्थ मॉस यानी फ्यूनेरिया मार्किशिया रिक्सिया तथा एंथोसिरोस भाग टेरिडोफाइटा इसी तरह टेरिडोफाइटा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द टेरिस तथा फाइटा से हुई है जिसमें टेरिस का अर्थ है फर्न तथा फाइटा का अर्थ है पौधा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तना तथा पत्ती में विभाजित होता है इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा खनिजों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं उदाहरणार्थ मार्सिलिया, लाइकोपोडियम सिलेजिनेला इक्विसिटम, एजोला एंडीएंटम तथा ड्रायोपिटेरिस भाग जिम्नोस्पम जिम्नोस्पम शब्द दो ग्रीक शब्दों जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर बना है जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज जिम्नोस्पम सबसे प्राचीन पौधे होते हैं तथा इनके बीज साधारण तथा नग्न होते हैं अर्थात बीज फल के अंदर बंद नहीं होते हैं ये सदाबहार बहुवर्षी तथा काष्ठीय पौधे होते हैं इन्हें दो समूहों में विभक्त किया गया है साइकेडी और कोनीफेरी उदाहरणार्थ गिनकुगो साइकस तथा पाइनस भाग एनजीओस्पम एंजियो एंजियोस्पम दो ग्रीक शब्दों एनजीओ और स्पर्मा से मिलकर बना है एनजीओ का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज एनजीओस्पम अत्यधिक विकसित पौधे होते हैं इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है पुष्प में जननांग समूह में पाए जाते हैं अतः इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है पौधे के भ्रूण में बीज पत्र पाए जाते हैं ये बीजपत्र पत्तियों के सदृश होते हैं इसलिए इन्हें बीज पत्ती भी कहते हैं बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पम वर्ग को दो भागों में बांटा गया है एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को दुई बीज पत्री कहा जाता है कुछ उदाहरण हैं पाइसम यानी मटर सोलेनम यानी आलू रोजा यानी गुलाब पाइकस यानी बरगद मेलिया यानी नीम मेलस अर्थात सेब तथा मैंगीफेरा यानी आम आदि क्या आप जानते हैं कैरोलस लीनियस को वर्गिकी के पिता के नाम से भी जाना जाता है वर्गीकरण का प्राकृतिक तंत्र आकारिक लक्षणों पर आधारित है तथा इसे जॉन रे ने प्रस्तावित किया था जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र एंग्लर तथा प्रांटल ने प्रस्तावित किया था तथा यह विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है थॉमस कैविलियर तथा स्मिथ द्वारा सन 2004 में दिए अपने वर्गीकरण में और की बैक्टीरिया को जीवाणु जगत का उपजगत बताया सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वर्गीकरण जीवन के सभी रूपों की विविधता को समझने में हमें सहायता करता है जीवन के रूपों का वर्गीकरण उनके जैव विकास से संबंधित है जीवों को पांच जगतों में विभक्त करने के लिए उनमें निम्न गुण होते हैं या तो जीव यूकेरियोटिक अथवा प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं या तो जीव एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय होते हैं या तो जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है या तो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उपरोक्त आधार पर सभी सजीवों को पांच जगतों में विभक्त किया गया है मोनेरा प्रोटिस्टा पंजाई यानी कवक प्लांटी तथा एनिमेलिया प्लांटी यानी पादप तथा एनिमेलिया यानी जंतु जगत को उनके बढ़ते हुए शारीरिक संगठन के आधार पर उपजगतों में विभक्त किया गया है पौधों को पांच समूहों में विभक्त किया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पम और एंजियोस्पम